बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर है 4 है, हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन फिगर। यहाँ पर ये पूरा हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन फिगर से रिलेटेड है, और इसमें बहुत ही ध्यान से आपको काम करना होगा। किस तरह से हमें पहले स्केच करना है और फिर उसके बाद हमें इसमें शेडिंग देनी है। तो देखिए, यहाँ पर आईज दी हुई है यहाँ पर, और आईज कई भी डिफरेंट एंगल से आईज बनाई हुई हैं। यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, छोटा छोटा स्पेस दिया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है ये आईज ड्रॉ करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले इस आई को बनाने की प्रैक्टिस लेते हैं। ध्यान से देखिए किस तरह से हमें ड्रॉ करना है। और फिर ये आई बॉल, ये हमने इसका एक सिंपल स्केच निकाल लिया है। उसके बाद जहाँ यहाँ पर जिस तरह से ये आई लैश दिखाई हुई है और आई बॉल के अंदर की इसमें जो शेडिंग दिखाई है, वो आपको बहुत ही ध्यान से और समझदारी के साथ इसमें काम करना होगा। ये देखिए आई लैशेस, सॉफ्ट हैंड से काम करेंगे। आई बॉल के अंदर की शेडिंग, काफी प्रैक्टिस की चीज है ये। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी ड्राइंग उतनी ही सुंदर होती जाएगी। ये देखिए, ये आईज का ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। और इसी तरह से बच्चों, आप यहाँ पर ये पूरा आईज की ये सारी की सारी ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 51 पर। यहाँ पर नोज़ दिया हुआ है, फिर हम नोज़ की स्केचिंग इसी तरह से करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से हमें नोज़ बनानी है। पेंसिल को सॉफ्ट हैंड से चलाइए, नॉस्ट्रल पार्ट, और फिर शेडिंग। पेंसिल पकड़ने का वही तरीका, और एक ही पेंसिल से हमें लाइट डार्क मिडल, कहाँ पर डेप्थ है कहाँ पर लाइट है, ये सब हमें समझाना होता है, दिखाना होता है। डार्कनेस, मिडल टोन हल्की सी, ये नोज पार्ट हमारा यहाँ पर बच्चों कंप्लीट हुआ है। इसी तरह से आप इस पेज को भी कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ साथ इसमें आगे जो भी पेज हैं शेडिंग के, वो आप बनाएंगे बच्चों। बच्चों यहाँ पर देखिए, ये हम ईयर की काफ़ी सारी यहाँ पर ड्राइंग है, और डिफरेंट एंगल से यहाँ पर ईयर बनाना बताया गया है। शेडिंग वही है, एंगल्स अलग अलग है। तो यहाँ पर चलिए हम इस ईयर की ड्राइंग करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी करिए इस काम को। बहुत ही सॉफ्ट हैंड रखेंगे, क्योंकि हमें इरेज भी करना होता है, तो हमारा पेज खराब नहीं होना चाहिए। आप जिस भी चीज़ की ड्राइंग करें, इसमें
तो बच्चों सबसे पहले आप बहुत अच्छी तरीके से उसकी स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद, स्टडी मीन्स आप उसको देखें और फिर उसके बाद उसको ड्राइंग करना स्टार्ट करें, ड्रॉ करना स्टार्ट करें बच्चों, तो आपको बिल्कुल कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। डेप्थ, बच्चों ये हमारा ईयर का ड्राइंग कंप्लीट। बहुत ही समझदारी के साथ इसमें आप काम करेंगे बच्चों। ये पेज नंबर 52 आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इसी तरीके से आप ये सारी ईयर्स के डिफरेंट एंगल से ड्राइंग करेंगे। और बच्चों एक बात और हम आपको बता दें कि आपके पास ड्राइंग नोटबुक होगी तो आप उसमें ड्राइंग नोटबुक में भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। इसी के साथ पेज नंबर 53 यहाँ पर लिप्स, डिफरेंट एंगल से लिप्स दिखाए गए हैं, तो हम इसमें एक लिप की, किसी भी एक लिप की ड्राइंग हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, और मेरे साथ साथ आप करिए इसको, हम करते हैं। शेडिंग, शेडिंग भी आपको इस तरह से देनी है कि लिप का अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, यानी ऊपर का लिप्स और नीचे का लिप्स बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। डेप्थ दिखाते हुए लिप के नीचे का पार्ट थोड़ा सा, यानी चिन पार्ट यहाँ पर आ गया है। ये देखिए आपका ये ड्राइंग भी बच्चों कंप्लीट है। और थोड़ा सा हम यहाँ पर शेडिंग दे देंगे जिससे ये लिप्स का ये पार्ट और भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। ये कंप्लीट बच्चों। तो इसी तरीके से आप इस पूरी ड्राइंग का काम करेंगे बच्चों, साथ साथ ड्राइंग नोटबुक में भी काम करते चलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ और नया लेकर के आएंगे बच्चों। तब तक के लिए टाटा बाय।